हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोग देखिए, एक चीज़ गलत किया आप लोगों ने, काम करने से पहले पूछा नहीं परमिट, ठीक है। मतलब होता है कि जो भी काम, कोई भी ऐसा काम जिससे चिंगारी निकले, आग लगने का खतरा हो, है ना, है कि नहीं? चिंगारी निकले, आग निकले, फ्लेम निकले, उसी को हम क्या बोलते हैं? हॉट वर्क। एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाता है हॉट वर्क में? ग्राइंडिंग आ जाएगा, क्योंकि उससे हम जैसे ही ग्राइंडिंग करते हैं उससे चिंगारी निकलता है कि नहीं? ग्राइंडिंग आ जाएगा, वेल्डिंग भी आ जाएगा, गैस कटिंग आ जाएगा, और बताइए। है बिल्डिंग, ग्राइंडर, गैस कटर, और क्या है आपका? जो वेंडिंग करते हैं ना, सरिया वेंडिंग, तो उसमें भी ना, वो भी हॉट वर्क में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो अभी हॉट वर्क है ना, इसके आपको सावधानी बरतना होगा। क्या क्या हम समझा दें? देखिए, सबसे पहले आप अगर हॉट वर्क करने जा रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि किस टाइप का हॉट वर्क कर रहे हैं। गैस कटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग प्रिकॉशंस लेना होगा। आप गैस कटिंग भी कर रहे हैं और वेल्डिंग भी कर रहे हैं और ग्राइंडिंग भी कर रहे हैं, तीनों पे हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कोई भी अगर एक्टिविटी शुरू करने से पहले प्लांट में अगर है तो आपको क्या करना होता है कि परमिट लेना जरूरी होता है। सबसे पहले क्या करेंगे? परमिट लेंगे, ठीक है जी। परमिट ये काम का अथॉरिटी देता है, ईश्वर साइन करता है, हम आपको काम का अथॉरिटी दे रहे हैं करने का। ये लीगल प्रोसेस है, आपको क्या करना है? करना है, ठीक है। सुपरवाइजर से आप एक बार बात करिए कि सर परमिट हुआ क्या इस साइड का। आप लोगों को मैं बार बार समझाते भी आया हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा फॉलो नहीं हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप उम्मीद करते हैं कि करिएगा, परमिट पूछिएगा जरूर। और सुपरवाइजर का भी जिम्मेदारी बनता है कि पहले परमिट करे फिर काम कराए, ठीक है। नंबर सेकेंड ये है कि अगर आप कर रहे हैं, मान लीजिए गैस कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो गैस कटिंग में आपको क्या करना होगा? सबसे पहले कि गैस कटिंग शुरू करने से पहले आपका गैस कटिंग सेट जो है उसको आपको चेक करना होगा कि कहीं इसमें लीकेज तो नहीं है। LPG सिलेंडर है तो लीकेज तो नहीं है, उसमें प्रेशर गेज बराबर लगा है कि नहीं है। उसके बाद आप जो LPG के बाद ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को भी चेक करेंगे कि उसमें कहीं लीकेज तो नहीं है ना। चेक कैसे करते हैं? उसमें फोम डाल के, ऐसे ही बस कान लगा के नहीं, फोम डाल के चेक करना होगा। उसमें से क्या होता है ना, जैसे ही लीकेज होगा तो उसमें से निकलना शुरू हो जाता है एक बुलबुल्ला की तरह, सही है, तो पता चल जाता है। अगर लीकेज है तो उसको हम बंद करेंगे फिर ही काम शुरू करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसका हॉस पाइप चेक कर लेंगे, उसका टॉर्च चेक कर लेंगे, ठीक है, गैस कटिंग का मैं बता रहा हूँ। फिर आप काम शुरू करने से पहले एरिया को एक बार ना बैरिकेड कर देंगे कि आसपास में कोई आए ना, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अपना प्रॉपर सुरक्षा के लिए PPEs पहनेंगे। PPEs गैस कटिंग के लिए हमें क्या चाहिए PPEs में, बताइए? लेदर का हैंड ग्लव चाहिए ना। उसके बाद कि गैस ना लगे, गैस का जो चिंगारी होता है वो ना लगे, अपने एप्रॉन भी चाहिए, है ना। उसके बाद हमें फेसिल चाहिए होता है, जो उसका चमक बोलते हैं ना, फेसिल चाहिए होता है कि आंखों को नुकसान ना पहुंचाए, सही है कि नहीं है। तो ये चीज़ें यूज करें। और प्रॉपर हाउस, जिस जगह पे आप रह रहे हैं ना, उसको हम प्रॉपर हाउसकीपिंग कर दीजिए आप लोग, तो क्या है बेटर रहेगा। कभी भी मान लीजिए कि आप गैस कटिंग शुरू कर दिए, फ्लेमेबल मटेरियल कोई पड़ा हुआ है, आपने प्रॉपर हाउसकीपिंग ना करा है, तो ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको पर डे डेली एक्टिविटी करना है, ठीक है। और मैं बताऊँ, अगर आप वेल्डिंग करना शुरू कर रहे हैं तो क्या करेंगे, कोई बताएगा? वेल्डिंग शुरू करने से पहले हमको क्या करना होगा? देखिए, माइंड में थोड़ा सा ये बात बैठा लीजिएगा जो जो मैं बोल रहा हूँ। आप गैस कटिंग अभी शुरू किए थे, बगल में गैस कटिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर आपका वहाँ रखा हुआ है, भले ही खाली होगा बात अलग है, लेकिन वहाँ पर प्रोविज़न नहीं है कि आप रखें वहाँ पे। आपका खाली हो गया तो उसका जो बनाया हुआ है, एक बूथ बना हुआ है ना आपका, जहाँ भी रखने का बनाया हुआ है वहाँ पर ले जाके उसको सेटअप करवा दीजिए। ट्रॉली को, ट्रॉली भी रखने का एक प्रोविज़न होता है कि एक ट्रॉली बोल रहे हैं, गैस कटिंग का वो जो सिलेंडर है, सिलेंडर को हमेशा प्रॉपर ट्रॉली में ही रखे, उसको बांध के रखे, नहीं तो वो भी बहुत एक बड़ा खतरा का कारण बन सकता है, ठीक है। और आपको बात करूँ और क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग मशीन में बात कर रहे थे ना, वेल्डिंग मशीन में आपको अगर वेल्डिंग शुरू करने से पहले आप बताइए कि इसमें वेल्डर आप है ना, क्या करेंगे आपका, मतलब ना सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका वेल्डिंग करने से पहले, आप बताइएगा ईमानदारी से, इतना दिन से काम कर रहे हैं, बताइए। नहीं पता? अरे यार, आप वेल्डर है ना तो आपको पता होना चाहिए ना। आप वेल्डर है तो आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि हमारी वेल्डिंग मशीन जो है वेल कंडीशन में है कि नहीं है, सही है कि नहीं, लगा है या नहीं लगा, उस पर टैग प्रॉपर लगा है कि नहीं। अगर टैग भी लगा है, मान लो पानी से भींग गई है, तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही चालू करेंगे क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट करेगा, ठीक है। उसको आपको एक बार क्या करना होगा, चेक करना होगा फिजिकली, आप वेल्डर है तो, या किसी आपको नहीं पता है तो इलेक्ट्रिशियन से चेक करवा लीजिए। और उसमें अगर वेल कंडीशन में है, ऊपर से सही है, टैग भी लगा है, तो आपको क्या करना होता है
कि आके उसका अर्थिंग लगाना होता है, सही है? अर्थिंग लगा के आपका केबल देखना होता है, केबल मैनेजमेंट सही है कि नहीं है, है ना? जहाँ से आपने लिया है वो ऊपर ऊपर केबल मैनेजमेंट वेल्डिंग के साथ आना चाहिए, क्लियर है? और हम उसका जो आप वेल्डिंग कर रहे हैं उसका लोकेशन जो आपने जैसे वेल्डिंग मशीन से जहाँ पर आपको वेल्डिंग करना है वो प्रॉपर सही जगह है कि नहीं है, है ना? ले जाने के लिए कहीं बीच में पानी तो नहीं है, वहाँ से तो नहीं ले जा रहे, ये सारा चीज़ चेक करके फिर आप क्या करेंगे? मान लीजिए वेल्डिंग मशीन चेक कर लिए, सब कुछ देख लिए, ओके, आप अपने लिए क्या करेंगे? अभी पहने हुए एप्रॉन, लेदर हैंड ग्लव्स, सही है? उसके बाद वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग फेसिल्ड काला वाला सोच, सही है ना? तो ये सारा चीज़ होना चाहिए ना, तब हम क्या करेंगे, समझिए, सेफ है। और काम करने से पहले एक बार अपना फिर से हाउस कीपिंग करना ही होगा, ठीक है? और मान लीजिए ग्राइंडिंग, देखिए सबसे बड़ा खतरा आजकल जो हो रहा है ना साइड पे, सबसे ज़्यादा ग्राइंडर मैन जो है उसको रिस्क है। तो हम क्या करना होगा, सबसे पहले ग्राइंडर जो है इसमें ग्राइंडर कोई ग्राइंडिंग कर रहे तो उसके लिए क्या करेंगे, वो ग्राइंडिंग बताइए, कोई भी ग्राइंडर, देखिए आप लोग शर्माइए मत, ग्राइंडर जो भी है उसका क्या स्टेप होता है काम शुरू करने से पहले, कोई बताइएगा? हाँ, प्रॉपर गार्ड है कि नहीं ग्राइंडिंग मशीन में, केबल ठीक है, सही है, डेट बाहर तो नहीं है व्हील उसका, बहुत बढ़िया, ग्राइंडर का व्हील डेट के अंदर है तो चलाइए, अगर बाहर है तो मत चलाइए, टूट भी सकता है, बहुत बढ़िया। मतलब ये है कि हम चेक करेंगे कि व्हील कंडीशन कहीं उसका गार्ड है ना, अपने लिए देखना है, स्लिप होना चाहिए, हेलमेट का बहुत बढ़िया लगाना चाहिए, उसके बाद में दस्ताने होना चाहिए, सब एप्रॉन होना चाहिए, उसके बाद एप्रॉन ग्राइंडर पकड़िए, एप्रॉन उसमें भी एप्रॉन, ओके ओके, मतलब ये है कि ग्राइंडर मैन के लिए भी एप्रॉन जरूरी है, ठीक है? सबसे देखिए उसमें क्या होता है ना कि स्पीड बहुत ही कितना, कम से कम 1000 RPM होता है, किसी का 800 RPM, मतलब ये है कि एक मिनट में 1000 बार घूम जा रहा है, सोचिए। तो मतलब ये हो गया कि आप सोचिए, अगर गलती से भी कटके लग गए आप में तो आपको क्या कर सकता है, इतना स्पीड है उसको फाड़ सकता है आपको, है कि नहीं? तो उसको बचने के लिए हमें प्रॉपर गार्ड चेक करना होगा ग्राइंडिंग मशीन में। और उसमें आता है जैसे AG7 का मशीन है तो उतना कहीं लगता है ना उसमें व्हील, है कि नहीं? AG10 है ना जितना का मतलब होता है वो, AG का मतलब क्या होता है वो, इंच के हिसाब से 4 इंच का है या 7 इंच का, अच्छा अच्छा, मतलब वो है, ठीक है? तो उस हिसाब से हमको क्या करना होता है, ये आप लोग भली भांति समझते हैं, तो सेटअप करना होता है और चेक कर लें एक बार तभी काम करें, ठीक है? केबल को चेक कर लें, आपका जो भी लेदर हैंड ग्लव्स है उसमें भी लगता है ना, ताकि कहीं हाथ में भी लगे तो बचा ले कुछ देर के लिए, ठीक है? समझ में आया? फिर आपको कभी भी पावर ऑफ कर, जैसे आपका काम खत्म हो गया, मैं देखता हूँ काम खत्म हो गया तो आप स्विच से क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं, वहां पर रख देते हैं। गलती से किसी का पैर लग गया, ऑन हो गया तो क्या होगा, तो आप डायरेक्ट पैनल से उसको क्या करें, कट ऑफ करें, तभी ग्राइंडिंग मशीन छोड़े, ऐसा अन्यथा ऐसा ना छोड़े, व्हील भी चेंज करे तो वहां से, हाँ, और व्हील भी चेंज करे तो वहां से निकाल दीजिए, नहीं तो गलती से कहीं हाथ पड़ गया तो, है कि नहीं? हो जाता है। तो ऐसा है, तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा मैनेज करके काम करें, और जैसे आप लोग ना रखा हुआ है सिलेंडर यहाँ से हटवा दीजिए, प्रॉपर हाउसकीपिंग कर लीजिए, और जो सुपरवाइजर के साथ आप कोऑर्डिनेशन बना के रखिए, एक बार पूछिए काम शुरू होने से पहले, क्लियर है? ये बातें हम इसलिए चाहते हैं कि देखिए हम, हमारा उद्देश्य एक ही है कि 0 एक्सीडेंट, कोई भी खतरा ना हो, जिस तरह से आप घर से आए हैं काम करने के लिए उसी तरह से काम करके सेफली लौटें, सही है ना? हम भी काम करने आए हैं, आप भी काम करने आए हैं, सबका पोजीशन अलग अलग है, डेजिनेशन अलग अलग, लेकिन मेन मकसद है सबका पैसा कमाना, काम करना, बात खत्म, है कि नहीं? सही है, तो इसीलिए हमारा साथ दें आप अपने लिए, क्लियर है? बाकी थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वेलकम, बंद कर दीजिए।